हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल ना प्रॉपर प्रॉपर वो जो रूटीन ब्लॉग होता है ना, वो मैं कुछ नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि घर में चल रहा है काम। सुबह से लोग आ जाते हैं और शाम तक काम चलता रहता है। फर्नीचर का भी थोड़ा काम चल रहा है, तो कई बार वो रहते हैं, टाइल्स का काम चल रहा है, तो मतलब कई बार इलेक्ट्रिशियन आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम होता है, तो कई बार प्लम्बर का काम होता है बीच बीच में। तो ये आवागमन लगा हुआ है। और जो टाइल्स का काम होता है ना, वो तो बहुत ही दिमाग ख़राब करने वाला होता है। पूरे घर में धूल मिट्टी तोड़फोड़ की वजह से भी रेत रेत है, और साथ में जब टाइल्स की कटिंग होती है ना, तो उससे बहुत एक वाइट वाइट पाउडर जैसा उड़ता है जो कि पूरे घर के एक कॉर्नर में फैल चुका है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत उन कामों में बिज़ी हूँ, क्योंकि अभी कुछ काम नहीं हो रहा है। ना ही मैं साफ़ सफ़ाई अच्छे से कर सकती हूँ, ना ही कुछ ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ, क्योंकि पूरा घर जैसे शिफ्टिंग होती है वैसे फैला पड़ा है। तो जब तक पूरा एकदम काम 10/10 ख़त्म नहीं हो जाता, कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं अभी। बट होता क्या है कि जब आपके घर में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं काम करने के लिए, दिन भर रहते हैं, तो आप ना वो अपने जैसा फील नहीं करते हो, एक कंफर्ट जोन अपने घर के अंदर ही फील नहीं करते हो, एक डिसकंफर्ट की फीलिंग रहती है। तो ऐसे में ना शूट करना और कुछ भी रूटीन शो करना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो जहाँ थोड़ा मौका मिलता है, थोड़ी बहुत क्लिप्स को मैं कोशिश करती हूँ गैदर करके आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो अभी मुझे लगता है 4-5 दिन ऐसा चलेगा। आपको तो पता ही है मेरे घर में काम चल रहा है, और जब भी आप ऐसा कुछ काम घर में छेड़ो, चाहे वो वाइट वॉश का हो, चाहे वो कुछ रिनोवेशन का हो, चाहे फर्नीचर का हो, किसी भी तरीके का काम हो, घर में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ घर में रहने में अनकंफर्टेबल होता है, बल्कि आपकी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं सफ़र करती है, आपकी बालों से लेकर, आपकी स्किन से लेकर, और आपकी पूरी बॉडी। बट इन सब में सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो आपके पैर हैं, क्योंकि नीचे काफ़ी गंदगी होती है। बेशक कितना भी आप चप्पल पहन के रखो, लेकिन फिर भी जो आपकी एड़ियाँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। आप हमेशा नोटिस करोगे, जब भी हम लोग ये दिवाली के टाइम से होकर निकलते हैं ना, तो हम इतना काम करते हैं, इतना पानी वाला काम करते हैं, डस्टिंग का काम करते हैं, कि हमारी एड़ियाँ हमेशा फटी फटी सी हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ इसी टाइम के लिए नहीं, बल्कि थ्रू आउट द ईयर आपको अपने पैरों की, अपनी एड़ियों की केयर करनी बहुत ज़रूरी है। और आप ऐसा कर भी सकते हैं, एकदम मुलायम कोमल बेबी स्किन जैसी आपकी एड़ियाँ रह सकती हैं। किस चीज़ से? इस प्रोडक्ट से। ये ऐसा नहीं कि मेरे पास पहली बार आया है, मैं बहुत लंबे टाइम से उसको यूज़ कर रही हूँ, आपके साथ कई बार मैंने शेयर किया है। ये है अगारो का कैलस रिमूवर। ये वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट है। जैसे मेरा एक हेयर रिमूवर है, जो फेशियल हेयर जो रिमूव करता है, वो भी मेरा बहुत फेवरेट है, और उसी तरीके से ये भी मेरा बहुत फेवरेट है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या अटैचमेंट्स आती हैं, और ये कैसे काम करता है। ये अगारो का कैलस रिमूवर, इसके अंदर सबसे पहले आपको मिलता है ये मैनुअल और साथ में वारंटी कार्ड। एक पाउच मिलता है, एक मिलती है मेन यूनिट, 3 इंटरचेंजेबल हेड्स मिलता है, क्लीनिंग के लिए एक ब्रश, और साथ में ये केबल मिलता है। ये हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कैप भी आपको मिलती है, जो स्टोरेज में बहुत यूजफुल है। इसमें ये जो आपको 3 इंटरचेंजेबल रोलर हेड मिलते हैं, इसमें है ये फाइन ग्राइंडिंग हेड, मीडियम ग्राइंडिंग हेड एंड कोर्स ग्राइंडिंग हेड फॉर इफेक्टिव रिमूवल ऑफ हार्ड स्किन एंड ड्राई स्किन। इसके हेड को बड़ी आसानी से आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बस एक क्लिक के थ्रू ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी फटी फटी मेरी एड़ियाँ हैं, और ये कैलस रिमूवर यूज़ करने के बाद आप देखना कि मेरे पैर कितने ज़्यादा बेबी सॉफ्ट एकदम स्किन लगने लगती है। तो सबसे पहले तो मैं ये वाली जो अटैचमेंट है ये यूज़ कर रही हूँ। इससे जितने भी एकदम ग्रेन ग्रेन से दिखते हैं ना ऊपर स्किन के, वो सारे अच्छी तरीके से मैं हटा दूंगी। इसके बाद आप फाइन ग्राइंडिंग ब्रश तक धीरे धीरे मूव कर सकते हैं। 3 अटैचमेंट हैं इसमें, तो आप तीनों पे कर सकते हैं। अगर आपके पैर उतने ज़्यादा डैमेज नहीं है, तो आप सीधा फाइन ग्राइंडर से भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखोगे कि कितनी सारी डेड स्किन जो है वो टॉवल पे इकट्ठा हो गई है। और अभी मैं ये अटैचमेंट हटा के भी दिखाऊंगी कि इसके अंदर भी काफ़ी डेड स्किन फंस जाती है। मोटी मोटी जो ऊपर की डेड स्किन थी वो निकल चुकी है, तो अब ये फाइन ग्राइंडर मैंने यहाँ पे लगाया है, और इससे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी अपने पैरों को।
ये मशीन वाटरप्रूफ है, तो वेट एंड ड्राई दोनों कंडीशन में एक्सीलेंट वर्क करती है। ये कैलस रिमूवर आता है रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी के साथ में, जो कि आपको देता है 45 मिनट्स का कॉर्डलेस टाइम आफ्टर फुल रिचार्ज। ये आपको ना चार्जिंग इंडिकेटर के साथ मिलता है। रेड लाइट का मतलब है कि चार्जिंग का भी प्रोसेस में है, और ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि चार्जिंग फुल हो चुकी है। आफ्टर क्लीनिंग अच्छे से मैंने पैरों को अपने वॉश कर लिया है, और आप यहाँ पे विजिबली देख पाओगे डिफरेंस कि कितने अच्छे, एकदम सॉफ्ट अच्छे पैर हो गए हैं। कहीं से कहीं तक कोई डेड स्किन नहीं है। जो क्रैक्स हो जाते हैं ना, उनको हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके लिए आपको 4-5 दिन बाद या वीक बाद, डिपेंड करता है कितने डैमेज हैं आपकी हील्स, उसके हिसाब से आप इसको प्रोसेस को रिपीट कीजिए। और अच्छे से कोई भी फुट क्रीम या फिर लोशन आप बढ़िया से लगाइए। ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, नारियल का तेल आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा फील आएगा। तो विद इन 5 मिनट्स आप अपने घर पे ये बेबी स्किन जैसे अपने हील्स, पैर ये सब पा सकते हैं। मैं इसे ना अपनी तरफ से हाईली रिकमेंड करती हूँ। आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आपको इसका जो काम है वो अच्छा लगा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है मैंने। और यूज़ करके देखिए आपको कैसा लगता है। और आज के दिन ये ना बहुत तगड़ी सी बारिश हो रही थी, मतलब एकदम मौसम बना हुआ था, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। शाम का ही समय था वैसे तो ये, लेकिन बारिश बहुत बहुत मतलब सुकून वाली बारिश थी आज। दिन भर ना थोड़ा दौड़ भाग करके ना एकदम शाम तक थकावट सी हो जाती है। मतलब दौड़ भाग ऐसा, घर का तो कुछ काम ज़्यादा नहीं हो रहा है, वही खाना वाना बनाना होता है। लेकिन होता है घर में जब काम लगा होता है ना, तो बस आप आराम भी नहीं कर सकते हो ना, आप बैठे हो, आप अटेंशन में हो, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसी वजह से, उस वजह से थोड़ा मेंटली भी और थोड़ा फिजिकली भी ऐसे लगता है बस शाम तक थका थका। तो मैं आई थी किचन में, दाल और चावल मैंने कहा चढ़ा दूंगी, सब्ज़ी कुछ लेफ्ट ओवर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा काम चल जाएगा। 5-7 मिनट लगते हैं दाल चावल चढ़ाने में, और बस उनको दाल को तड़का दे दो, बस खाना बन जाता है। लेकिन भाई सिद्धार्थ का थोड़ा बारिश वारिश हो रहा था, उसका पता नहीं कहाँ से मन कर गया कि मेरा ना लिट्टी मम्मा खाने का बहुत मन कर रहा है। एक्चुअली वो पिछले कई दिनों से ना कुछ कचौड़ी जैसा बनाने का बोल रहा है, तो मैं बना ही नहीं रही थी, अवॉइड करते जा रही थी। फिर आज उसने बोला, तो वैसे तो थकावट हो रही थी बट मैंने कहा चलो कर लेते हैं, लिट्टी का ही काम कर लेते हैं। तो बैंगन वगैरह तो कुछ थे नहीं कि चोखा बनाऊँ, वो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपने देखा ही चोखा बना लिया था। तो इस बार ना लिट्टी चोखा दो अलग अलग वीडियो में बन रहा है। उस वीडियो में मैंने चोखा बनाया, आज मैं लिट्टी बनाने जा रही हूँ। बट मैंने सोचा कि लिट्टी तो ऐसे सूखी सूखी अच्छी नहीं लगेगी ना, तो इसके साथ मैं आलू की एक सब्ज़ी बहुत सिंपल वाली बना लूँगी। तो बस जो भी कटिंग चॉपिंग करनी पड़ती है हमको लिट्टी के लिए, वो सब मैं कर रही हूँ। अदरक, लहसुन, धनिया, प्याज, हरी मिर्ची, ये सब एकदम महीन महीन करके मैं चॉप कर रही हूँ। पता है जब आपको अपने लिए सिर्फ खाना बनाना हो तो बिल्कुल हाथ पैर नहीं चलते, आप कुछ भी खा लो, एकदम आलस लगता है कि कौन बनाएगा जाके। हस्बैंड के लिए बना लेते हो आप, लेकिन कई बार आप उनको भी बोल देते हो कि अरे नहीं मन कर रहा है, तो वो भी एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन बच्चे जब कोई चीज़ बहुत दिल से बहुत मन से बोल देते हैं ना, ऐसा नहीं हर समय, क्योंकि बच्चे तो चटर पटर मांगते हैं, तो हर समय तो आप उनको वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनके लिए अच्छा भी नहीं है। उनको तो नहीं पता है लेकिन हमें तो पता है। लेकिन ये होता है ना कि कई बार कुछ चीज़ें इतने दिल से, इतने प्यार से, इतनी इच्छा से वो मांगते हैं कि आप कितने भी थके हो आप वो चीज़ करने की कोशिश करते हो कि चलो कर ही देते हैं। तो आज कुछ वैसा ही दिन था। मैंने सत्तू लिया, सत्तू अभी जो गांव से आया था ना वही मेरा चल रहा है। 2 किलो लेकर आई थी माँ, और मुझे लगता है 1 किलो के आसपास अभी भी बचा हुआ है सत्तू, क्योंकि जब वो लेकर आई थी ना तो उस टाइम मेरे पास भी कुछ रखा था, तो वो भी ख़त्म किया, उसके बाद इसको शुरू किया, इसलिए अभी है। तो सत्तू के अंदर प्याज, लहसुन, अदरक, हरी धनिया, हरी मिर्ची ये सब चॉप करके डाली है, नींबू का रस, सरसों का तेल डाला है, साथ ही कलौंजी, अजवाइन, नमक, यही सारी चीज़ें जाती हैं। आप अचार का मसाला और उसका तेल भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो, बट मैं नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा यही चीज़ें डालती हूँ। माँ के हाथ का बना हुआ एक आंवले का
अचार है। अचार बेसिकली क्या है, वो ना नमक में पड़ा हुआ आंवला होता है, तो वो मसल के डालो तो अच्छा लगता है। वो अभी मेरे पास है नहीं, और 99% मैं ऐसे ही इन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ इसको बनाती हूँ। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल लेंगे ना तो एक बाइंडिंग की तरह ये काम करेगा, और जब आप लिट्टी को फिल करेंगे तो उस टाइम ना अच्छा रहता है, एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं रहता है। थोड़ा सा ये गिलगिला सा हो जाएगा, मतलब एकदम गिलगिला नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड करना है इसके अंदर, ताकि ये स्टफिंग करो जब आप पूड़ी के अंदर, तो ये फैले ना, अच्छे से उसमें चिपक जाए, उसकी परत बन जाए। यहाँ पे मैं जो आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ वो एकदम ऐसी है ना, 5 मिनट वाली है। आलू मैंने चढ़ा दिए थे उबलने के लिए, और यहाँ पर हरी मिर्ची, अदरक मैंने कट की, एकदम 5 मिनट वाली सब्ज़ी है, कि बस कुछ ना समझ में आए तो ये बना लो आप। मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है 1 छोटा चम्मच, और इसके अंदर डाला है जीरा। फिर मैं इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च जो चॉप करके रखी है वो ऐड कर दूंगी, हींग ऐड कर दूंगी, और बस यही तड़का है इसका ना। इसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं जाना, इवन टमाटर वमाटर भी मैं पीस के नहीं डाल रही हूँ। थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा दही ऐड करूँगी इसमें। दही भी ना एकदम शॉर्टकट लेके मैंने ऐड किया है, पैकेट से ही सीधा डाल दिया। वैसे आप कटोरी में निकाल के थोड़ा सा फेंट के डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैंने ऐसे ही डाल दिया। कहते हैं ना, थके रहते हैं तो जितना शॉर्टकट आप काम करो उतना ही अच्छा लगता है, कि चलो जल्दी जल्दी हो जाइए। इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया का पाउडर, और इसको अच्छी तरीके से भून लिया। जब मसाले और दही लगा कि भून गया है, फिर इसमें मैंने डाली है हरी धनिया, और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा सत्तू ऐड करूँगी। तो या तो भुना हुआ बेसन हो या सत्तू हो, इससे थोड़ी सी ना जो ग्रेवी है वो थिक सी हो जाती है। तो ये वाला जो ट्रिक है मैं बहुत यूज़ करती हूँ आलू की सब्ज़ी में, या कई चीज़ों में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, या तो सत्तू या तो बेसन। दोनों में से अगर एक आप पूछेंगे जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं कहूँगी बेसन, रोस्टेड बेसन अगर आपके पास है तो वो आप यूज़ करें, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। फिर हमने पानी ऐड कर दिया, नमक कम लग रहा है तो वो ऐड कर दीजिए, आलू ऐड कर दीजिए, और बस ये सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। मौसम भी थोड़ा ऐसा हो गया था कि फ्राई ऐसा कुछ खाया जा रहा था, और काफ़ी दिन बाद ये मैं फ्राइड पूड़ी या कुछ ऐसे समझिए बना रही थी आज। तो फिर मतलब अच्छे से ही सब लोगों ने डिनर किया, डिनर में हो रहा था ये, थोड़ा सा हैवी है डिनर के हिसाब से, बट कोई बात नहीं। तो यही था आज का हमारा डिनर, और मैं ना फाइनल फ़ोटो सर्व करके लेना बिल्कुल ही मेरे दिमाग से उतर गया, जिसमें लिट्टी और सब्ज़ी वगैरह मैं दिखाती ना, वो एकदम दिमाग से मेरे उतर ही गया, तो वो मैं ले ही नहीं पाई। कैसेटा कसाटा है, कसाटा जो भी है, अमूल दूध पीता है, ये मदर डेरी की है, और तुम अमूल का ऐड कर रहे हो। एक ही चीज है, ऐसे नहीं, तुम चम्मच खाने के लिए लाया हूँ। खाऊं क्या? क्यों नहीं? अबे जो मैं बच्चा हूँ, बस खाने के लिए लाया हूँ। वो ठंडा है, आइसक्रीम है यार, ठंडी होगी ना। आज है नेक्स्ट डे, और अभी सुबह सुबह जो हमारे घर के पौधे हैं उनको थोड़ा पानी पिलाया जा रहा है। घर की हालत दिन प्रतिदिन जो है वो अस्त व्यस्त होती जा रही है।
आप देख सकते हैं कि थोड़ा फील कर पा रहे हो, तो सोफ़ा काफ़ी आगे खिसका के लगाया हुआ है क्योंकि पीछे वॉल का काम चल रहा है। फिर अभी ना ये वाले वॉल पे काम शुरू होगा। तो हम ये बेडरूम यूज़ कर रहे थे सोने के लिए, ये भी आज से ख़त्म हो जाने वाला है। तो इलेक्ट्रीशियन आने वाले हैं जो पॉइंट वगैरह कट करेंगे, तो तोड़फोड़ होगी। लंच में मैंने बनाई थी सिंपल ये उड़द दाल की खिचड़ी, खाली नमक और एक चुटकी भर हल्दी के साथ बस बनाती हूँ, और इसमें घी और नींबू डाल के। हम लोगों को ये काफ़ी पसंद है, मुझे और सिद्ध को। सिद्धार्थ के रूम में कोई काम नहीं हो रहा है ना, तो इसने अपना एक ककून बनाया है, बोल रहा है ये मेरा ककून है, और ये ककून में ही बैठा हुआ है सुबह से। ये जो देखो मैंने जैसे लिखा है, क्या ये सीक्रेट बंकर? द सीक्रेट बंकर बनाया। पढ़ाई लिखाई पोर्टल, पढ़ाई का सारा सामान, खाना सब इधर ही चल रहा है। आज पूरे दिन मैंने चैलेंज ले रखा है, इतनी छोटी जगह पे रहना है। अच्छा, 24 आवर्स इन अ कोना। बाहर भी आ रहा हूँ मतलब कभी क्योंकि इसका बेड तो भरा हुआ है, इतना सामान है कि इसको खाली नहीं किया जा सकता। इधर हाँ वही है ना, और ये सारा भी है, अभी तो बवाल खैर। पिछले कई दिनों से ना मैं नमकीन बिस्किट यही सब दे रही थी जो वर्कर लोग काम कर रहे हैं उनको, तो आज मैंने सोचा चलो समोसे मंगा देते हैं। तो समोसे और ब्रेड पकौड़े मैंने मंगवाए हैं यहाँ पे, और साथ में बना रही हूँ चाय। मॉर्निंग में तो मतलब लिमका या फ्रूटी वगैरह कुछ चल जाता है क्योंकि मॉर्निंग में उतना ज़रूरत नहीं होता, लोग ब्रेकफास्ट करके आते हैं और लंच भी 1-1.5 बजे कर लेते हैं, तो वो जो बीच का होता है ना उसमें कुछ ऐसे ही कुछ लिक्विड मिल जाए। चाय भी मैं बोलती हूँ तो लोग मनाही कर देते हैं, तो कुछ लिमका या फ्रूटी दे देती हूँ। और शाम के वक्त क्या होता है ना, लंच करने के बाद बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो किसी को भी भूख लगती है या फिर क्रेविंग होती है कुछ खाने की, तो इस टाइम मैं कुछ ना कुछ चाय के साथ ज़रूर देती हूँ। तो मैंने ये समोसे और ये ब्रेड पकौड़े मंगवाए थे, जिनको सर्व करते समय थोड़ा सा मैंने चटनी स्पिल कर दिया है। गुड मॉर्निंग, मुझे नहीं पता मैं कितना किस दिन शूट करती हूँ, कितना किस दिन व्लॉग करती हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सुबह से जब लोग आ जाते हैं ना तो शाम तक कई बार तो 8-8 बजे तक काम चलता है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि मेरा और ना रचना का काम एक ही साथ शुरू होना था, तो उसका मेरा मिक्स होके हो रहा है, तो किसी दिन यहाँ भी थोड़ा थोड़ा कुछ करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा वहाँ करते हैं, इस तरीके से काम चल रहा है। और बीच में जो हमने ये टाइल्स वाला चक्कर डाल दिया है ना, इसकी वजह से थोड़ा काम और एक्सटेंड हो रहा है। टाइल्स का जब काम होता है ना, वो भी बाथरूम में, तो पूरा घर एकदम घिनम घिन हो जाता है, मैं सच बता रही हूँ। झाड़ू पोछा कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि रेत रेत, मिट्टी मिट्टी, और ऊपर से टाइल जब कट होती है ना तो उसका भी काफ़ी चूरा चूरा सा होता है ना, वाइट वाइट, वो भी उड़ता है, वो भी स्मेल में आता है। तो अभी तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। मैं सुबह उठ के ना नहा लेती हूँ, मतलब सिद्धार्थ चला जाता है, उसका स्कूल नहीं चल रहा, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कल छुट्टी पे था, बीच में एक प्रिपरेशन के लिए लीव है, फिर अगले दिन मतलब एग्ज़ाम है, तो आज उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, सेकेंड लास्ट एग्ज़ाम है उसका, तो आज उसको स्कूल जाना था। उसके लिए मैंने बना दिए थे यहाँ पे ये कैरेट डाल करके ना फ्राइड इडलीज, और हस्बैंड के लिए दाल रोटी और साथ में परवल आलू की भुजिया, ये बनाया मैंने आज। तो ये सारा खाना बना के ना जैसे हस्बैंड जाते हैं फटाफट मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं फिर नहाऊंगी नहीं, एक बाथरूम में तो काम चल रहा है, दूसरे बाथरूम से वो कई बार पानी वानी लेते रहते हैं, तो बाथरूम से इंगेज हो जाते हैं लगभग दोनों ही, तो बाद में नहाना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए कोशिश करती हूँ फटाफट जाके नहा लूँ। तो नहा लिया अभी, और अब मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10:10 बाकी है, तो अपने लिए खाना बना लूँ। फिर सिद्धार्थ को भी 11:15 लेने जाना पड़ता है, अभी कोई आया नहीं है काम करने के लिए। और ड्राइंग रूम में जो हमने चेंजेस किए हैं ना, वो मैं आज आपको दिखा दूंगी, कंप्लीट हो गया है, कल ही रात को कंप्लीट हुआ है वो, तो आधा अधूरा मैं नहीं दिखाना चाह रही थी, वैसे अभी आधा ही अधूरा है। डिज़ाइन वगैरह कंप्लीट हो गया है, बट जो पेंट का काम है वो सबसे लास्ट में होना है, क्योंकि जब सारा इस रूम का बेडरूम में भी जो चेंज है वो भी हो जाएगा ना, तो एक ही साथ जो है पेंट होगा सब में,
तो पेंट के बाद तो फिनिश हो गया तो अलग लुक आएगा, बट डिजाइन क्या है वो मैं आपको दिखा दूंगी पूरा। अगर मैं शुरू से आपको बताऊँ ना, तो जब हम 1 BHK में रहते थे तो वहाँ पे तो आपको पता है ना, हमने हाईलाइटेड वॉल करवा रखी थी बेडरूम की भी और ड्राइंग रूम की भी। तो उससे फिर वो काफी सालों तक थी वैसी, उसके बाद फिर हम ना बोर हो गए थे उससे। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ ना सब कुछ व्हाइट व्हाइट था, तो वो बहुत अच्छा लगता था शुरू में। मतलब सारी वॉल्स व्हाइट थी। अब क्या ऊपर 2 साल में रही व्हाइट व्हाइट में, फिर नीचे आए तब भी सारा व्हाइट व्हाइट था। तो ऊपर से जब हम नीचे शिफ्ट हो रहे थे, जब हम अपना घर बनवा रहे थे, तब भी मेरे दिमाग में था आज से 1.5 साल पहले, मुझे ना अब एकदम व्हाइट व्हाइट नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत कलर या कुछ बहुत डिजाइन वगैरह चाहिए। बहुत सारे नेट पे देखे भी, बहुत ही ट्रेंडी ट्रेंडी इटालियन वॉल्स, यूरोपियन वॉल्स हैं जिनके डिजाइन थे जो मुझे बहुत पसंद थे, तो वो करवाना था हमें। बट आपको तो याद ही है जब हमारा गृह प्रवेश हुआ था वो कितनी हड़बड़ी में हुआ था। गृह प्रवेश की भी डेट्स निकली जा रही थी 1 महीने के लिए, हमको खाली भी करना था, तो बहुत आनन फानन में हमने पूजा की और हम शिफ्ट हो गए। तो जितना मिनिमम काम में काम चल सकता था वो करवा के हम शिफ्ट हो गए थे। तो हम अप्रैल में शिफ्ट हुए थे, और फिर मेरा जो पूरा सोच था ना कि मैं दिवाली उसी ईयर की जो दिवाली 2023 की जो दिवाली आने वाली है उससे पहले काम करवा लूंगी। फिर हमने ये भैया से बात करनी शुरू की, तो बहुत ज़्यादा बिजी थे, पूरा साल ही वो एकदम बिजी रहे, कभी बन ही नहीं पाया प्लान वो हमारा, और इतना डिले हो गया। तो अभी पिछले लगभग 1.5 महीने से इनसे बात चल रही थी और एकदम फाइनल था कि अब करवाना है, सब कुछ फाइनल हो ही गया था। मेरा कभी रचना का साथ में होना था, वो भी कुछ कुछ काम करवा रही है अपने घर में, उसका TV यूनिट बन रहा है, उसका स्टडी टेबल बन रहा है, और भी शायद कुछ एक्सटेंड हो आगे काम, बट फिलहाल अभी मुझे इतना ही पता है कि इतना हो रहा है। तो जब ये सारा हुआ तो अब जाके ये वॉल हो रही है, और सिद्धार्थ के रूम में भी कुछ कुछ चेंजेस हो चुके हैं, वो मैं उसके रूम के मेकओवर में दिखाऊंगी। बट आज मैं ना आपको ड्राइंग रूम की वॉल का डिज़ाइन दिखा दूंगी पूरा कैसा लग रहा है। डेफिनेटली व्हाइट कलर जो है ना बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे लगता है कुछ कुछ टाइम बाद ना आप थोड़े बोर से हो जाते हो, किसी भी कलर से आप बोर हो जाते हो। तो व्हाइट से अब मैं बहुत बोर हो चुकी थी, तो बस ये मेरा ही था आइडिया कि मुझे अब ना थोड़ा कलर चाहिए अपनी वॉल्स पे, कुछ डिज़ाइन वगैरह करके, जो भी ट्रेंडी आजकल चल रहा है वो चाहिए। तो करवाया है, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और बाथरूम में वैनिटी था कि मुझे अपने बेडरूम के बाथरूम में तो एक वैनिटी चाहिए ही चाहिए, स्टोरेज भी हो जाती है और अच्छी भी लगती है वो। लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि जब उसमें करवा रहे हैं तो इसमें भी वैनिटी करवा लेते हैं, तो ये भी एक हो जाएगा, अच्छी लगती है वैनिटी तो। खैर, तो बस ये सारे काम है, वैनिटी का काम तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो जब तक टाइल्स का सारा काम नहीं हो जाता ना, वैनिटी का काम नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है 5 दिन से ऊपर हो गया है, मुझे एकदम याद ही नहीं है कि ये काम किस दिन शुरू हुआ, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, ना डेट ना डे कुछ भी याद नहीं है। तो मैं ऐसे गेस करके बता रही हूँ, दिमाग आज का थोड़ा ठीक रहता नहीं मेरा, कुछ भी चीज़ें भूल जाती हूँ, कुछ चीज़ें सुनाई नहीं पड़ती हैं, कोई बोल के चला जाता है तो मतलब मुझे याद ही नहीं है किस दिन किस डेट को ये शुरू हुआ है काम। ऐसा लग रहा है मुझे 5 दिन तो हो ही गए होंगे, अभी मुझे लगता है 5 दिन और लगेंगे, और जब ये सारा काम हो जाएगा फिर उसके बाद फिर पेंट का काम है, फिर पेंट का काम स्टार्ट होगा। तो अभी टाइम लगेगा सेटल डाउन होने में। तो ये हमारा वॉल का डिज़ाइन है, डिज़ाइन रेडी है, बस इस पर पेंट होना बाकी है। मतलब बहुत फिनिशिंग आएगी अभी तो इसके अंदर, प्राइमर होगा, फिर पुट्टी होगी, फिर जो कलर हमने सेलेक्ट किया है वो होगा। बट कैसा लग रहा है आपको ये डिज़ाइन मुझे बताइएगा ज़रूर, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी एक चेंज है उस घर से इस घर में। मतलब 3 साल लगभग लग रहा है हमें जैसे हम एक ही घर में रह रहे हो। चेंज होने के बाद भी कुछ चेंज नहीं लग रहा था, मतलब रेंटेड से अपने घर में आए तो सेम स्पेस में आए ना, तो कुछ पता ही नहीं लग रहा था, किचन छोड़ के कुछ अलग ही नहीं था। तो मुझे कुछ अलग चाहिए था, शुरू से ही मेरे दिमाग में था, तो ये डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया था। कैसा लग रहा है आपको बताना ज़रूर मुझे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।